बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बलोचिस्तान से एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। हमने इस पर बात करना मुनासिब समझा। आप ज़रा ऑडियो इसमें से मुलाहजा कीजिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। हमने कब कहा है? हमने कब कहा आपकी सरजमीन हमें आपको कसम देने की जरूरत नहीं है कि हम पासवान है या नहीं। हम पासवान साहब को लेकर हटो हटो सारे निवाले नाम मौलाना साहब से बात कर रहे हैं। मौलाना साहब से बात मौलाना साहब से बात कोई ना जल्दी। साथ क्यों आपने इस वीडियो को मुलाहजा किया? चंद सेकंड्स की इस वीडियो को लेकर कुछ लोग नेगेटिव माइंड के साथ इसको सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं दुश्मन इस्लाम, दुश्मन पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां पर शोर शराबे में आवाज़ ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन फिर भी मुल्क के इदारों के साथ सख्ती से बात करने वाले हकदार तो वैसे जवाब के ही होते हैं। लेकिन जब इस शख्स ने कहा कि गवादर हमारा है, तो हमारे शेर ने कहा कि हमने कब कहा कि ऐसा नहीं है। यूँ इज्जत भी दी जा रही थी और इस शोर शराबे में बलोचिस्तान के इन मौलाना साहब को समझाने की भी कोशिश की जा रही थी। बलोचिस्तान में और जहां पर भी पाकिस्तान दुश्मन मौजूद हैं, वो मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। अवाम और अफवाज पाकिस्तान को हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ उभारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को और चंद वीडियोस को उठाकर इस तरह के अपने जहनों से उठाए गए सवालात और बातें वहाँ के हालात को समझने के बग़ैर ही अपने दिमागों में मुख्तलिफ चीज़ें पालना गैर मुनासिब चीज़ है। अब ज़रा जलील बाजवा साहब की वीडियो मुलाहजा कीजिए जहाँ पर आवाम के साथ वो मोहब्बत और प्यार से पेश आ रहे हैं। इवन कि अपने कमांडोज़ को उन्होंने एक साइड पर कर दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से डांटा कि आवाम से वो पूरी तरह इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें, नौजवानों से बात कर सकें। वो कैसे मोहब्बत भरे अंदाज में वो पाकिस्तान के शहरी नौजवानों से पेश आ रहे हैं, आप मनाज़र देख रहे होंगे। हम ये समझते हैं कि शायद गलतियां अफवाज पाकिस्तान से भी होती होंगी, रियासती इदारे भी ज्यादतियां शायद करते होंगे, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें किसकी भलाई के लिए हैं? इस कौम को, इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए ही सब कुछ है। ऊँची आवाज़ में बात करना क्या रियासती इदारों का जुर्म बन जाता है? अवाम ऊंची आवाज़ में बात करे, चीखे चिल्लाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे से जवाब ऊंची आवाज़ में दे दिया जाए तो चंद अनासिर को आग लग जाती है। यह हरगिज़ नहीं सोचा जाता कि पूरी दुनिया में अवाम के मुंह कैसे बंद करवाए जाते हैं। खैर, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम के शहरों को सलाम, गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह ने के बाद।